गाइस, PUBG मोबाइल का एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पूरी स्क्वाड के साथ खेल रहे हैं और हम सभी मिलके 21 किल करते हैं। तो होप आपको गेम प्ले अच्छा लगेगा। देखिए, मुझे उतरते ही MP4 मिल गया और मैं ऑटोगन की तलाश कर ही रहा था कि मुझे शॉटगन मिल गया। और मैं जब नीचे उतर के मिड स्टेन में उतरा था, मैंने सोचा अच्छी खासे किल निकल जाएंगे, टीममेट रहेगा, तो क्या हुआ, मैं मार दूंगा अच्छी खासे किल इधर निकाल लूँगा। लेकिन कैसे होगा, मेरे अनाड़ी टीममेट रहते हुए मेरा जो सबसे अच्छा टीममेट है 2 नंबर इंजियर एलेक्सा, वो उसको तो उतरते ही उसकी नसीब चमक गई, उसको मिल गया क्या M4। वहीं पर ही उसने 2 स्क्वाड पर खिलवा दिया। मैं उसके पास जा ही रहा था कि मैं भी थोड़े किल विल निकाल लूँ। तुम्हारा भाई तो है ही नूब शक्ल से, तो वो सोच रहा था कि किल विल कुछ 1-2 अगर मिल जाए। लेकिन मैं जब तक गया तब हरा धुआं निकल गया। मैंने सोच लिया भाई इनके साथ रहूँगा तो किल्स नहीं मिलेंगे, तो मैंने गाड़ी लेकर थोड़ा आगे निकलने का सोच लिया। और आगे हम निकल भी रहे थे, हमारे टीममेट इन लोगों को पीछे छोड़ के इन लोग मिड स्टेन में थे और मैं आगे निकल रहा था। इधर मैंने सोचा एक बॉट की आवाज़ आई, लेकिन उस बॉट को बॉट भाई साहब को भी पेल दिया मेरे इस दोस्त ने 2 नंबर ने। भाई कतई मजाक करके, मजाक नहीं कतई सीरियसली खेल रहा है बंदा। बंदा सोच रहा है कि मेरा गेम प्ले, लेकिन गेम प्ले वो बना रहा है, क्या बात है। मैं आगे आ जाता हूँ गाड़ी लेके घूमते घूमते, और इधर थोड़ी फायरिंग हो रही थी, तो मैंने सोचा इधर फायरिंग हो रही तो इधर बंदे ज़रूर होंगे। और बंदे ज़रूर होंगे मतलब पूरी की पूरी एक स्क्वाड थी मेरे पास, थी स्कारल और M24। मैंने स्कारल से थोड़ा डैमेज दिया एक बंदे को, वो दिखेगा ये देखो, इस बंदे को थोड़ा डैमेज दिया, थोड़ा ज़्यादा नहीं दिया, और फिर मैं लेट गया क्योंकि मैं अकेला और सामने मेरा पूरा स्क्वाड। तभी मैं इनके साथ फाइट कर ही रहा था, कारल में कोरक्स लगा के थोड़ा चलाने वालाने की कोशिश भी करेंगे, M24 भी मारने की कोशिश करेंगे। देखो देखो कैसे की कोशिश करते हैं, ये देखो उस कारल में कोरक्स लगा लिया मारने की कोशिश। मेरे अभी 0 किल थे ना, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि स्क्वाड को मैं अकेला ही वाइप कर लूँ और मेरी टीममेट आने से पहले। लेकिन ये 2 नंबर को मैं क्या ही बताओ, हाला आज इतनी सस्ती नशे नहीं करा है, ये यहाँ से बहुत सारे महंगी नशे करके आया है, साले मेरे पास आ गया। मैंने एक को नॉक कर दिया, उसी टाइम रिवाइव खेल रहा था, उसके टीममेट को M24 का बॉडी शॉट पड़ा, मैं रस कर दिया सीधा, क्योंकि मुझे मालूम था वो 2 नंबर आ रहा है मेरा किल ले लेगा। मैं पहले मेरा किल कॉन्फर्म किया, लेकिन कैसे भाई उसके आते हुए फिर भी स्क्वाड के एक बंदे को उसने नॉक कर दिया, कतई शाबाशी। लेकिन छोड़ो भाई, स्क्वाड में खेल रहे किल तो होंगी, इसको मैंने नॉक किया। इसका और एक बंदा उधर से आ रहा है, आपको दिखेगा, अभी दिख जाएगा, रुको, ओ रहा हो दिखा आपको, थोड़ा डैमेज करा, कैंपर है ये बंदा, कैसे इसको मारते देखो, ये देखो बंदे की नूब जैसी हरकत देख रहे, कैसे घूम घूम के मार रहा है। मैं इनसे लूट लेता हूँ, शिक्षक मिलता है फिर मुझे यहाँ पर तो एकदम से 3 किल मिल गए, और मैं अपने स्क्वाड के साथ फिर से चलता हूँ, जाते हैं हमारी स्क्वाड के साथ। मेरे बंदे बोल रहे थे कि भाई तू किधर है, आजा 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 गाड़ी लेके जाता है। मैंने बोला ठीक है चलो जाते हैं चलो। उन्होंने दूर से ही एनिमी को स्पॉट कर लिया था, उनको मैंने गाड़ी में बिठाया। और हमारा जो है 3 नंबर, वो इस गेम प्ले में मस्त DP पटका रहा था, DP पटका के भी उसकी 34 हो गई। यहाँ पे एक बॉट था, मैं सोचा उसको मारूंगा, मुझे पहले दिखा नहीं, फिर इस 4 नंबर को दिख जाता है और ये उस बॉट को पहन देता है। मैंने यहाँ पर गाड़ी रोकी, इधर सामने दिखा मेरे को ड्रॉप, मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे ड्रॉप में बंदा है। तो मैंने क्या किया, गाड़ी थोड़ा आगे जाके रोका और कवर वगर लेके मारने की कोशिश कर रहा था। इधर बंदे थे, स्मोक बहुत सारे स्मोक के वाल घिर गए थे। M24 मैंने लगाया, एक बंदा DP लेट के DP चल रहा था, तो पता ही है तुम्हारे भाई के स्नाइपिंग। ये देखो हेड शॉट मारूंगा M24 का, लेकिन बंदा नहीं मरेगा, लेवल 2 की उसके पास पड़ा हुआ है, लेवल 3 का हेलमेट।
हेलमेट हेलमेट लेवल 3 का है, ये देखो ये लगा पट दिया हेडशॉट, ये पटाक करके लगेगा हेडशॉट, ये लगा ये देखो हेडशॉट लगा, लेकिन बंदा ठिल के नहीं गया, कभी तभी पीछे से इनके ऊपर थर्ड पार्टी हो जाता है। और मैं यहाँ पे सस्ती स्नैपिंग अपनी जारी रख रहा था और वो बंदा नॉक भी हो जाता है, जिसको मैंने अभी पटाक करके हेडशॉट दिया। इसको मैंने एक बॉडी दिया, मतलब रनिंग बॉडी, उनके साथ फाइट हो जाता है, तभी वो बंदा नॉक हो जाता है जिसको कि मैंने M24 से हेडशॉट दिया था। उसका किल भी हम ले लेंगे, देख लो सस्ते नशे कैसे मार रहा हूँ, इजीली इसका किल ले सकता हूँ। लेकिन सस्ते नशे भाई, सस्ते ही नशे, ये देखो किल मिल गया। अब मैं सोच लिया था जोन चीचा भी आ रहे हैं, पहले देखा था जोन चीचा, लेकिन जब वो थर्ड पार्टी वाले टीम को देखते देखते जोन चीचा मेरे ऊपर से गिर गए, मतलब मेरे ऊपर अपना कहर बरसाने लग गए। मेरे पास एक कोरोना का इंजेक्शन था, मतलब वो एड्रेनालिन, उसको हम कोरोना का इंजेक्शन ही बोलते हैं, आप भी बोलो, वो मैं इधर लगा लूँगा। भाई देख रहे हो उनके सस्ते नशे, गाड़ी पड़ी है, मेरा ध्यान नहीं गया, लेकिन ये बंदे गाड़ी लेके नहीं आए। भाई साहब को दौड़ के ही जोन में जाना है, क्या बताओ इनको। खैर मैं जोन में पहुंच जाता हूँ, धीरे धीरे जा रहा हूँ, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम जोन में जा रहे हैं। ये देखो मेरा इस हेल्थ में मैंने इस बंदे को मार दिया। भाई इसको देख के अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। इसको देख कर सब्सक्राइबर बनता है, नहीं वो लाइक वाला नहीं मिला, नहीं मुझे लाल वाला ही चाहिए। हाँ इसको टैप करके एकदम बादाम पिस्ता की तरह एकदम एक समान कर दो, कुछ भी करो लेकिन सब्सक्राइब भी करना चाहिए। हमारा जो 4 नंबर था जिसने एक बॉक्स को मारा था, वो जोन से खिल गया। हमारे जो 3 नंबर थे जो डीपी पटका रहे, उनको भी डीपी से किसी ने नॉक कर दिया, और जिन्होंने डीपी से नॉक किया उनको तो M4 से। हमारे जो 2 नंबर हैं जो पीरो हैं, महंगी दारू पी के आए थे, नॉक कर दिया, और इनको भी नॉक कर दिया है बंदा। तो देखो इसको हेड ही हेड बैठा के, लो तुम्हारे भाई का चिकन डिनर हो गया। होप आप लोगों को बढ़िया लगा होगा ये 21 किल वाला।